दोस्तों, बोकारो एयरपोर्ट से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बोकारो एयरपोर्ट के उद्घाटन की तिथि झारखंड दिवस यानी 15 नवंबर को निर्धारित की गई और इस बात का पूरा भरोसा है कि उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन बोकारो एयरपोर्ट पर सारे सिविल वर्क लगभग पूरा हो गए हैं। ATC बिल्डिंग, फेंसिंग, एंट्री एंड एग्जिट गेट, कैरोसॉल, टेक्निकल वर्क, रनवे, सिक्योरिटी आदि जैसे वर्क पूरे हो गए हैं। रनवे की टेस्टिंग यानी कि कैलिब्रेशन टेस्ट करना बाकी है, जो किसी भी दिन किया जा सकता है। दोस्तों, उद्घाटन तो हो जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो है वह यह है कि उद्घाटन के बाद आमजनों के लिए यह एयरपोर्ट शुरू हो पाएगा या नहीं, इस बात पर सस्पेंस है। या फिर सेल के अधिकारी और VIP के लिए ही यह एयरपोर्ट चालू होगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उद्घाटन में अब 1 महीने से भी कम का समय बचा है, लेकिन अभी भी एक भी एयरलाइंस कंपनियों ने यहाँ से उड़ान भरने के लिए ना तो आवेदन किया और ना ही सहमति जताई है। इसका कारण रनवे के बाद बनने वाले मेडीलैंड के लिए जगह का ना होना है। और दूसरी जो समस्या है वह यह है कि अभी तक जिला प्रशासन ने रनवे के सामने की 4 दीवारी के बाहर लगने वाले मीट की दुकानों को ना हटा पाना है। प्रशासन के इस उदासीन रवैये के कारण दुकान इलीगल होने के बावजूद हट नहीं पा रही है। दोस्तों, यह दुकान हटाना बहुत ही आवश्यक है और दुकान नहीं हटेगी तो उड़ान संभव नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दुकान तो बाहर है तो इससे क्या समस्या हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि मीट के दुकान होने की वजह से यहाँ दिन और रात दोनों समय पक्षियाँ काफ़ी बड़ी मात्रा में ऊपर मंडराते रहते हैं और ऐसे में यदि कोई पक्षी साइड इंजन यानी कि विंग इंजन से टकरा जाते हैं तो विमान क्रैश होने की संभावना काफ़ी हद बढ़ जाती है। इसलिए यह दुकान हटाना अति आवश्यक है, परंतु ना ही तो राज्य सरकार और ना ही प्रशासन इस पर गंभीर है। इसलिए यहाँ कोई भी विमान कंपनियाँ आने के लिए तैयार नहीं है, जिससे शायद उड़ान भरने का सपना बोकारो वासियों के इस साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। होना संभव नहीं लग रहा है। इसके अलावा जो दूसरी समस्या है वह यह है कि रनवे का भी कैलिब्रेशन टेस्ट अभी तक नहीं हुआ है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बोकारो एयरपोर्ट चालू हो पाएगा या नहीं? आप हमें कमेंट जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी जरूर कर दें।